हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही। और बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम मैदा, एक कटोरी घी, एक चुटकी नमक और दो तीन चुटकी बेकिंग सोडा। तो आइए शुरू करते हैं बालूशाही बनाने की रेसिपी। मैदा में हम एक चुटकी नमक, दो तीन चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे, जिससे जो हमारी बालूशाही है वो बहुत ही अच्छे से फूल जाए और जो चाशनी है वो उसमें अच्छे से भर जाए। घी डालेंगे हम मैदा में, जिससे घी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आए और बालूशाही खाने में बहुत ही अच्छी लगे। ध्यान रहे, मैदा को हमें मारना नहीं है, मैदा को सिर्फ हमें जोड़ना है। अगर आप मैदा को मारेंगे तो बालूशाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आपको सिर्फ मैदा को जोड़ना है, जिससे जो हमारी बालूशाही है उसमें बहुत सारी लेयर्स बन सकें और खाने में वो बहुत ही अच्छी लगे। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो अब अपन मैदा मारते हैं। मैदा को अपन आज पानी से मारेंगे और पानी जो है वो हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, ज़्यादा हमें पानी नहीं यूज़ करना है। ऐसे ही हमें हल्के हाथ से मैदा को मारते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी बीच में हमें यूज़ करना है, जिससे मैदा जो है वो आपस में जुड़ती जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हमारी मैदा आपस में जुड़ रही है और बस थोड़ी देर में हमारी मैदा मढ़ के तैयार हो जाएगी। ये लीजिए, हमारी मैदा तैयार हो चुकी है। और अब हम मैदा की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। हमने जो मैदा के बॉल्स बनाए थे, अब हम उनको गोल गोल करके हल्का सा दबाएंगे और किसी भी चीज़ की सहायता से उसमें एक होल करेंगे, जिससे हमारी बालूशाही में आराम से रस भर जाए और बालूशाही बहुत ही क्रंची बने। ऐसे ही हम अपनी सारी बालूशाही तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं अब हमारी सारी बालूशाही तैयार हो चुकी हैं। और अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे। ध्यान रहे, गैस बिल्कुल हमको मध्य रखनी है और तेल हमको बिल्कुल गुनगुना रखना है, जिससे हमारी बालूशाही जले ना और आराम से हमारी बालूशाही जो है वो अंदर से भी सिक जाए। गुनगुने तेल में अब हम एक एक करके सारी बालूशाही जो हमने बनाई थी वो हम तेल में डालेंगे और उसको धीरे धीरे करके सिकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गैस बिल्कुल मध्य है और हमारी बालूशाही भी आराम से सिक रही है। आप देख सकते हैं अब हमारी बालूशाही फूलकर ऊपर आ चुकी है। अब हम इन्हें दूसरी तरफ से सेकेंगे और अब ये हमारी बालूशाही सिक चुकी है। देख सकते हैं आप इनका कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और हमारी बालूशाही दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी सिक चुकी है। चाशनी हमने पहले से ही तैयार कर ली थी। चाशनी के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। इसमें हमने एक कटोरी पानी, दो कटोरी शक्कर और इलायची डाली है। और जानकारी के लिए मैं आपके लिए इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी बालूशाही तैयार है और हमारी चाशनी भी गर्म हो चुकी है। अब हम चाशनी के अंदर बालूशाही को आराम से डालेंगे। देख सकते हैं बालूशाही में चाशनी भर रही है। अब हम इसे दूसरे तरफ पलटा देंगे, जिससे हमारी बालूशाही में दोनों तरफ अच्छे से चाशनी भर जाए। 5 मिनट रुकने के बाद अब हम इसे प्लेट में सजा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर दिख रही है और खाने में भी ये उतनी ही अच्छी है। ये बहुत ही अंदर से क्रिस्पी बनी है, सीरा जो है वो अंदर तक भर चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।